शिवांग बसीन एंड वेलकम बैक टू द इंडस्ट्रोलॉजी। सो गाइस, आज दो तीन बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, आपके इंटरेस्ट में ही होने वाली हैं ये सारी बातें। सबसे पहली चीज़ जो हमारी रिसर्च रिपोर्ट होती है 20 पेजेस की, मैं ये एक हफ्ता है जो पूरा एक हफ्ता आप लोग चाहते हैं कि जो एक्सपायरी होने वाली है उस एक्सपायरी से लेके कुछ बढ़िया स्टॉक्स, कुछ बढ़िया सजेशंस, कौन से सेक्टर बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकता है, पास्ट में निफ्टी, बैंक निफ्टी सारे सेक्टर्स के अंदर क्या परफॉर्मेंस रही है, उसकी 20 पेजेस की डिटेल रिसर्च रिपोर्ट आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करने वाला हूँ। सो आप लोग अभी जाके नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कल से आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे 2 इंट्राडे की रिकमेंडेशंस या स्विंग ट्रेडिंग की रिकमेंडेशंस भी मिलने वाली हैं, एक प्रॉपर रिसर्च और के साथ होने वाली है जो आप लोगों को शेयर करी जाएगी। आपका मेन फोकस, जो मेरा मेन फोकस है आप लोगों को वो रिकमेंडेशन प्रोवाइड करवाने का, वो ये नहीं है कि आप लोग उसको बाय या सेल कर पाओ, बट ये है कि वो स्टॉक क्यों हम लोग खरीद रहे हैं, क्यों हम लोग बेच रहे हैं, उसकी पूरी पीछे रिसर्च क्या है आप लोगों को देने की, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल कंटेंट आप लोगों को इन लास्ट नेक्स्ट वीक के अंदर मिलने वाला है, तो डेफिनेटली डू शेयर योर व्यूज ऑन टेलीग्राम कि आप लोगों को कैसा लगने वाला है उसके बाद, और प्लीज ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलेगा। इसके अलावा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंस्टाग्राम के अंदर भी लाइव आने वाले हैं, कुछ बहुत बढ़िया और पोस्ट भी आने वाले हैं, सो वहां पर भी आप लोग हमें डेफिनेटली जाके फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग लाइव सेशन जो भी करेंगे इंस्टाग्राम के अंदर, जो भी आपके स्टॉक्स के डाउट्स होते हैं वो सारी की सारी चीजें भी कवर करी जाएंगी। सो आप लोगों को इंस्टाग्राम के लाइव का अपडेट टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, तो वहां पर डेफिनेटली ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप की तरफ और देखते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है कल की मार्केट पे और कौन से स्टॉक्स बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो गाइस, हमारा सबसे पहला स्टॉक है यूपीएल। यूपीएल पे आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि हम लोगों ने सपोर्ट की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है, जो लॉन्ग टर्म से एक सपोर्ट दे रही है। फाइनली इसने रिसेंटली वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन पे लास्ट वीक इसने एक सपोर्ट दिया, और सपोर्ट देने के बाद कंटिन्यूसली यहाँ से इसने 3 दिन की एक अप मूव दी है। अब जनरली देखा यह जाता है जब भी अपने बॉटम से अगर ये ऊपर की तरफ रिवर्सल देता है या फिर अपने टॉप से ऊपर की तरफ नीचे आता है, तो अगर 3 कैंडल्स लगातार बनती है तो उसके बाद हमें 4th कैंडल को ऑब्जर्व करना पड़ता है, बिकॉज 4th कैंडल हमेशा ऑपोजिट कैंडल बनती है। सो अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे तो सबसे पहली चीज तो हम एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से पता लगा पा रहे हैं कि एक इम्पल्स मूव है। इम्पल्स मूव देने के बाद ये एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। रेंज के अंदर कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पर इसने एक डबल बॉटम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर भी क्रिएट करा है, जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट करा। डबल बॉटम क्रिएट करने के बाद इसने एक बहुत बढ़िया सपोर्ट ले रखा है, बट लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से हम लोग देख रहे हैं कि कंटिन्यूस छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है। अब अगर कल यहाँ पर एक बियरिश कैंडल बन जाती है तो हम मान के चलेंगे कि अभी भी कोई एक पॉजिटिव साइन देखने को नहीं मिला या फिर एक टर्न अराउंड नहीं है। सो कर क्या सकते हैं हम लोग, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का हाई है, करंट प्राइस है 712 रुपीज का, लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो हाई है दैट इज 717.75। तो हम मान के चलते हैं जैसे ही 718 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तब अपना एक बाय सेटअप लेकर चल सकते हैं। हमारे जो टारगेट्स होंगे वो टारगेट्स होंगे प्रीवियस स्विंग हाई, जो कि ये लेवल निकल के आ रहा है 735.37 रुपीज का। सो हमारे टारगेट्स तब होंगे, बट इस बात को याद रखना कि कल एक टर्न अराउंड कैंडल भी बन सकती है, जनरली हम लोगों ने बहुत बार देखने को मिला है, ठीक है। तो अगर ये इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करा और 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो ही हमें वहां पर ट्रेडिंग लेनी है। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। सुबह हमारा दूसरा स्टॉक है एबी कैपिटल्स। एबी कैपिटल्स को जब मैंने स्टडी करा तो स्टॉक बढ़िया लगा, एंड अगर यहाँ पर चेक करेंगे तो ये हम लोगों ने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी हुई है, एक सप्लाई जोन ड्रॉ करा हुआ था, जो पास्ट में 2018 से यहाँ पर मल्टीपल सप्लाईज हमें देखने को मिल रहे थे। फाइनली हुआ गया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे इसने लास्ट टाइम कि इसने ब्रेकआउट दिया आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड ब्रेकआउट फ्रॉम इट्स रेजिस्टेंस। अब ये एक सपोर्ट बन गया था, इसी सपोर्ट का इसने रिसेंटली यहाँ पर ब्रेकडाउन करा। ब्रेकडाउन करने के बाद अब यही जो सपोर्ट था वो उसके लिए दोबारा रेजिस्टेंस बन चुका था। एग्जैक्टली जो आज की क्लोजिंग है वो क्लोजिंग एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस पे हो रखी है। आप देखेंगे कि वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए हुए हैं, और उसके अलावा आप RSI को भी देख सकते हैं, एग्जैक्टली 65 पे ट्रेड कर रही है। बट अगर आप देखेंगे वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए हैं तो ये अच्छी बात है, एक्चुअल में ऐसी बात नहीं है। आप पास्ट में देखना कि क्या हुआ था, पास्ट में जब ये 60 के ऊपर RSI होता था और वॉल्यूम की कैंडल इतनी तेज बनती थी और वो भी अपने हाई पे बनती थी, तो आप देख सकते थे कि उसके बाद एक टर्न अराउंड देखने को मिलता था। इस हाई कैंडल को ऑब्जर्व करो, इस वॉल्यूम बार को ऑब्जर्व करो, ये कैंडल बनी थी, उसके बाद से एक मार्केट में टर्न अराउंड आया, एक स्टॉक के अंदर टर्न अराउंड आया। पीछे चलते हैं, अगर आप देखोगे ये दोबारा बना था
इसके बाद इसी लेवल से एक टर्न अराउंड देखने को मिला और ये भी अपने टॉप के आसपास ही था और यहाँ पर भी एग्जैक्टली वैसा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हम लोग यही मान के चल सकते हैं कि अभी एक रेजिस्टेंस लेवल है तो शायद एक टर्न अराउंड दोबारा देखने को मिल जाए। तो आज मैंने आपको जो स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूँ ना, मैं वही स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूँ जिसपे टर्न अराउंड भी अगर देखने को मिलता है तो वहाँ पर एक सेलिंग भी बन सकती है। दूसरी बात, अगर टर्न अराउंड भी अपने हाइस को तोड़ता है तो एक अच्छी बाइंग भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, सो फोकस ऑन दी स्टॉक्स एज वेल। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग कि हमें वेट करना है कि एक छोटी अपमूव, कल इंट्राडे में हमें एक छोटी मूवमेंट को बस कैप्चर करना है। सो अभी करंट प्राइसेस 116.50 रुपीस एंड जैसे ही इसके ऊपर जाता है 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है 117 के ऊपर, आप बाय कर लेना विद अ टारगेट ऑफ 121 का। जब हमें 3 से 4 रुपए चाहिए, पॉइंट चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, अपने प्रीवियस स्विंग के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो डेफिनेटली हमारा एक बाय सेटअप बन सकता है। बट अदर देन दैट हमें लगता है कि ऊपर जाने के बाद कल एक सेलिंग भी आ सकती है स्टॉक के अंदर, तो स्टॉक को भी अपनी वॉच लिस्ट के अंदर जरूर ऐड कर सकते हैं। बात करते हैं अपने लास्ट स्टॉक की। सो गाइस, मेरा लास्ट स्टॉक है NMDC। एग्जैक्टली सेम दोनों स्टॉक की जो बात करी है उसको यहाँ पर अगर हम क्लब कर देंगे तो एग्जैक्टली वैसा स्ट्रक्चर फॉर्म है। सबसे पहली चीज, एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये एक रेंज हम लोगों ने ड्रॉ करी है जहां पर मल्टीपल सपोर्ट्स देखने को मिले हैं। इसके अलावा भी हम लोगों ने शुरुआत में बात करी थी कि अगर सपोर्ट से ये रिवर्स करता है तो लास्ट अगर 3 कैंडल्स बुलिश होती हैं तो हम मान के चलते हैं कि जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो और डाउन ट्रेंड बन सकती है। ठीक है, तो उसको हमें कल ऑब्जर्व करना है। दूसरी चीज, यहाँ पर एक छोटा सा हर्डल है जो हम लोग चेक कर सकते हैं एग्जैक्टली एट दिस लेवल पे। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर जाता है तो डेफिनेटली हम लोग बाय कर सकते हैं 15 मिनट की क्लोजिंग के ऊपर, बिकॉज तब एक स्टॉक में टर्न अराउंड हो सकता है। दूसरी चीज, आप देख रहे हैं कंसिस्टेंटली वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे थे, हर कैंडल में वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे थे, बट कैंडल्स का साइज आप देखोगे तो छोटा होते रहता था बट वॉल्यूम्स बढ़ते रह रहे थे। दूसरी चीज, अगर हम लोग RSI को ओपन करते हैं तो हम लोगों ने ये चीज देखी, अभी RSI 57 पे चल रहा है और हम लोगों ने जनरली ये देखा है कि जब भी NMDC के अंदर RSI 60 के आसपास आता है तो एक हम लोग सेलिंग प्रेशर दोबारा देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर भी हुआ, इधर भी हुआ, बट अगर वो 3 दिन RSI 60 के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो इस पर एक टर्न अराउंड चेंज होता है अपने बॉटम से और वो नए हाइस की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है, जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। सी दिस, एग्जैक्टली ये लेवल अपने बॉटम पे था, इस RSI ने ब्रेकआउट दिया, सस्टेन करा 2-3 कैंडल्स, उसके बाद एक टर्न अराउंड देखने को मिला। एग्जैक्टली इसी लेवल पे हुआ था कि अपने बॉटम पे था, 2-3 कैंडल तक ये सस्टेन कर RSI 60 के ऊपर और फिर एक ब्रेकआउट देखने। तो इस तरीके से हम लोग इस स्टॉक को भी वॉचलिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं, ये डेफिनेटली एक टर्न अराउंड स्टॉक भी बन सकता है। सो ये थी हमारे स्टॉक्स की एनालिसिस। अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, ओपन इंटरेस्ट का डाटा देखते हैं, उसके बाद सेशन को एंड करते हैं। सो मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है, जो पास्ट वीक पे हम लोगों ने पूरा डिस्कशन करा था वो इसी रेंज का डिस्कशन करा था कि जिस रेंज के अंदर हमें बाइंग करनी है, ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छी अपमूव हम देखने को मिल सकती है, जो ये जो गैप है ना, ये गैप फिलिंग हमें देखने को मिल सकती है। हुआ क्या, ब्रेकआउट दिया, ये इसका प्रीवियस स्विंग हाई था, इसके ऊपर गया तो मतलब एक नया स्विंग हाई क्रिएट करा। नया स्विंग हाई क्रिएट करने के बाद अगर आप देख सकते हैं, इसने लास्ट फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन पे एक गिरावट करी ऑलमोस्ट 1% से ऊपर की थी। सो करते क्या है, ये हमारा स्विंग लो है, ये हमारा स्विंग हाई है, एक फिबोनाची स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद ये एक रेंज निकल के आ रही है, इस रेंज के अंदर अगर ये रहता है, इसके नीचे नहीं जाता तो मान के चल सकते हैं कि इस लेवल से एक टर्न अराउंड ले सकता है। बट अगर ये दोबारा नीचे चले जाता है तो हम मान के चलेंगे कि यहाँ पर अभी भी हमें थोड़ा सा पेशेंसली वेट करना है। बाइंग साइड के अंदर एक सेलिंग हम तभी भी सोच सकते हैं जो दोबारा इस लेवल को इस रेंज के बॉटम तक लेकर आ सकती है। ठीक है, सो अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट के डाटा की तरफ प्लानिंग करते हुए नहीं चले, सिर्फ टेक्निकल्स को देखते हुए चलें, तो हमें पता चलता है कि ये 17,130 से लेकर 17,200 के रेंज पे अगर एक टर्न अराउंड होता है तो हम एक बाय सेटअप लेकर चलेंगे। अदर देन दैट, हम अगर ये इसके नीचे जाता है तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 17,050 रुपीस का। ठीक है, अब एक बार बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, फिर ओपन इंटरेस्ट के डाटा की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया, आप सिंपल देख सकते हैं कि ये एक रेंज बनी हुई थी जिस रेंज पे हम लोग ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस ट्रेड कर रहे थे लास्ट वीक पे। हमने देखा था कि इस रेंज का ब्रेकआउट दे, अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद उस कैंडल के ऊपर अभी तक कोई भी क्लोजिंग देखने को नहीं मिली, उस कैंडल के ऊपर कभी तक गया नहीं है और वहां से एक टर्न अराउंड देखने को मिला। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो अभी हम लोगों ने निफ्टी में एक रेंज की बात करी ना, एग्जैक्टली मैं रेंज यहाँ पर भी ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए, ये मैंने निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी की रेंज भी ड्रॉ कर ली है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसने अभी तक अपने रेंज का ब्रेकआउट नहीं दिया। यस, डेफिनेटली इसने अपने चैनल का ब्रेकआउट दिया, बट मैंने आप लोगों को बहुत बार समझाया है, कोई भी अगर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो पहले हमें ये चीज देखनी चाहिए कि उसका क्लोजेस्ट ब्रेकआउट के टाइम पे कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है।
यहां पर हम लोगों को रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और एग्जैक्टली यहां से एक टर्न अराउंड देखने को मिला। सो बैंक निफ्टी पे तो हम लोग बाय ऑन डिप्स नहीं करने वाले, बैंक निफ्टी में हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करके कुछ नहीं करने वाले, हम लोग यूज बैंक निफ्टी को बाय साइड में तभी करेंगे जब इस रेंज का ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट देने के बाद हम इस गैप फिलिंग तक अपने टारगेट्स को मीट कर सकते हैं। अदर देन दैट, ये जो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देख रहे हो ना जिसने इस रेंज के अंदर एंट्री ली थी, अगर इस रेंज के हमें बाय करना है तो या तो इस कैंडल के ऊपर हम लोग बाय कर सकते हैं अगर क्लोजिंग देखने को मिलती है। सो राइट नाउ जो प्राइस चल रहा है दैट इज 36,200 रुपीज का, हम लोग तभी बाय करेंगे जब 36,600 के ऊपर जाएगा और हमारा तभी बाय सिग्नल जनरेट होगा। अदर देन दैट, अगर ये अपने कल वाले लो को ब्रेक कर देती है और एक कैंडल क्लोज हो जाती है तो डेफिनेटली हम लोग शॉर्ट भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, आप देखिएगा फॉल आया, ऊपर गया, इसी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करा, अगर नीचे आता है तो हम मान के चल सकते हैं कि ये टारगेट ऑन अ लोअर साइड दोबारा अचीव हो सकता है। ठीक है, अब एक बार ओपन इंटरेस्ट की तरफ चलते हैं और एग्जामिन करते हैं। सो निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट डाटा पे आ चुके हैं। सबसे पहले आप देखिएगा कि कॉल चेंज है 35 बिलियन और पुट चेंज है 3.5 बिलियन, मतलब 10 टाइम्स ज्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। और आप पूरे ग्राफ पे देख सकते हैं, अगर आप लोगों को कहीं पर भी पुट राइटर्स देखने को ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब आप चेक करिएगा हेवी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है 17,500 पे, जो कि 300 पॉइंट ऊपर है। इसके अलावा सेकेंड हाईएस्ट कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है 17,400 पे। तो मेरे हिसाब से 17,400 तो अभी ब्रेक नहीं हो सकता आने वाला, मतलब एक्सपायरी में लग रहा है कि 17,400 टू 500 ब्रेक नहीं होने वाला। इसके अलावा जो भी पुट राइटर्स थे वो एग्जिट कर गए, वो ऑफ कर गए अपनी पोजीशन 17,300 से, जो कि वो सोच रहे थे कि उसके नीचे तो मार्केट नहीं जाएगी, बट वहां से ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स मार्केट नीचे चली गई है, तो वो भी एक रेजिस्टेंस बन चुका है। सो हमारे हिसाब से 17,300, 400 और 500 एक हेवी रेजिस्टेंस निफ्टी फेस कर सकती है। और ऑन डाउन साइड अगर हम लोग बात करें तो कहीं पर भी पुट राइटिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा। बट अब बात करें अगर हिस्टोरिकल डाटा की, तो हिस्टोरिकल डाटा में कॉल राइटिंग तो एग्जैक्टली सेम है, बट पुट राइटिंग 17,200 पे हमें देखने को मिल रही है। बट अगर कल एक गैप डाउन देखने को मिलता है और थोड़े टाइम भी अगर हम लोग देखें कि 17,200 के नीचे सस्टेन कर गया, तो सीधा नेक्स्ट टारगेट 17,000 है, मतलब 200 पॉइंट की गिरावट सीधा देखने को मिल सकती है। और उसके बाद भी जितने भी कॉल राइटर्स है वो आगे की तरफ शिफ्ट होते रहेंगे, इस बात को याद रखना। अब बात करें हम बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में ज्यादा कुछ हैवी नहीं है, 2 times ही ज्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है, बट हैवी कॉल राइटिंग 37,000 और 36,500 पे देखने को मिल रही है। और हमें बाय तभी करना है जब ये 36,600 ब्रेक होगा, क्योंकि अगर 36,500 तक भी हम लोग पहुंच गए तो वहां पर कॉल राइटर्स इतने ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे कि वो इंडेक्स को दोबारा नीचे लेकर जा सकते हैं। बट अगर ये 36,600 के लेवल को ब्रेक कर देती है तो ये जो छोटे मोटे कॉल राइटर्स हैं वो लोग ट्रैप होना स्टार्ट हो जाएंगे और वहां से 200 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी और इजिली दे सकता है। ठीक है, और वही हमें कैप्चर करनी है। हैवी पुट राइटिंग हमें 35,500 पे देखने को मिल रही है, जो कि ऑलमोस्ट अपने पॉइंट से 700 पॉइंट्स डाउन है। सो हम मान के चलते हैं कि जो दिस दिसंबर जो वीकली एक्सपायरी है उसकी रेंज बहुत बड़ी है बैंक निफ्टी के अंदर, और निफ्टी में डाउन साइड हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है और अपसाइड बहुत कम लिमिटेड चांसेस है। सो पूरा कंक्लूजन हम लोग निकाले तो बाय साइड आपने तभी करना है जब तक एक परफेक्ट कंक्लूजन नहीं देखने को मिलता है, एक परफेक्ट एंट्री देखने को नहीं मिलती है। अदरवाइज हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज को मान के चलना, वहां पर हम लोग अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को गाइस वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस चैनल को। अगर आप लोग नए हैं, हमारे पहली बार वीडियोस देख रहे हैं, आप पुरानी वीडियोस के साथ भी समझ सकते हैं कि हम किस तरीके से आप लोगों को रिकमेंडेशन देते हैं एक एक पॉइंट समझा के। सो वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल। बाय बाय गाइस, हैव अ गुड डे।